नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर कोई ये जानना अगर चाहेगा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सक्सेस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट आज आपको जिताएंगे, ये तय करेंगे कि आप सक्सेस हो रहे हो या फिर नहीं। पहला पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बड़ा एक रजिस्ट्रेशन है, उसपे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम चलाऊ रखा जाता है। नॉर्मली उसको बहुत ग्रेसफुल नहीं रखा जाता, जबकि ये बहुत ग्रेसफुल चीज है। या तो ये ऐसे व्यक्ति को पता है या ऐसे ग्रुप को पता है जिनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मालूम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसी कारण इसका जो वास्तविक उपयोग है, वास्तविक बेनिफिट है, वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाता। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को रीजनेबल रखेंगे शुरू से और समझेंगे कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर के लिए, ग्रोथ करने के लिए, आपके मेंबर्स के लिए, तो जबरदस्त होगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि ये मल्टी स्टेट वर्ड लिखा हुआ है, तो अलग अलग स्टेट में इसका, एक से ज्यादा स्टेट में इसके मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो मैनेजमेंट प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चालू जो करते हैं वो सारे जगह पे नहीं जा सकते, और हर जगह पे मैनेजमेंट प्रॉपरली हैंडल करना एक बहुत बड़ा इशू है। जो ये कर लेता है वो जबरदस्त काम कर लेता है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर है। अगर आपका मैनेजमेंट सही है, हर तरीके से मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन आप ले पा रहे हैं, मैनेजमेंट हर चीज का नॉलेज रखता है और डिसीजन ले रहा है, वो जो डिसीजन ले रहा है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा पा रहा है, तो जीतने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट डिपेंडेंस। गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को हमेशा मानने पड़ते हैं, ये सही भी है, कुछ एंगल से यहां पर परेशानी भी आती है, प्रैक्टिकली कई बार डिफिकल्टी आती है, लेकिन वो डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए जितने मेंबर्स होते हैं वो सब मिलकर एक जगह कई बार नहीं खड़े होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब जाते हैं, वो ब्लैकलिस्टेड हो जाते हैं या फिर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। जबकि मैं वापस बता दूं, ये हीरा है, हीरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चौथा पॉइंट है डॉर्मेंट मेंबरशिप। ये डॉर्मेंट मेंबरशिप का फंडा थोड़ा समझना। एक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, मैंने उनसे बात किया कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप पक्का जीतोगे। बोले सर, हर स्टेट जहां जहां पर हमारा है ना, वहां पर मैं बहुत सारे मेंबर्स अपने लोगों को बना रहा हूं, ताकि जब चुनाव आए तो मैं ही जीतूं, राइट। तो सोचो कितना ज्यादा यहां पर पॉसिबल है कि डॉर्मेंट मेंबरशिप के जरिए भी गलत मैनेजमेंट या फिर किसी और तरीके से नुकसान हो जाए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, राइट। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्शन और पॉलिटिक्स। इलेक्शन कराना जरूरी रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस है उनके तरफ से आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार, राइट। लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, अगर उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो पॉलिटिक्स को भी बचाना रहता है। और इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्शन है उसको भी बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट कराना है, और इलेक्शन कई बार लोग कंडक्ट कराने में देरी करवाते रहते हैं, जिसके कारण भी ब्लैकलिस्ट होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इलेक्शन टाइम पे पूरा करने में आप कोऑपरेट कराइए, मैनेजमेंट को स्ट्रांग रखिए, आपका मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत जबरदस्त नाम और गुडविल के साथ आगे बढ़ने वाला। हर कोई चाहता है कि मेरे ही कोई रिलेटिव यहाँ पे नौकरी करे, चाहे कोई भी पद हो, मुझे सब पता चलते रहे यहाँ पे क्या हो रहा है, और पता नहीं भी चलता रहे तो मेरे रिलेटिव को डालो, या फिर अगर किसी के रिलेटिव को डाला गया तो दूसरे को परेशानी होगी कि मेरी साली को रखने बोला था वो अपने साले को रख लिया, और यही सारे चीजों में उन लोग की मीटिंग और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन एंड ऑफ द डे सफर कौन कर रहा है, ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये सफर करता है। क्यों सफर करता है, इसलिए क्योंकि वहां पर ढंग का कोई आदमी होता ही नहीं जिसका सच में क्वालिफिकेशन है, जिसको सच में इसको चलाने का मूड है, केवल वेतन पाने के लिए कोई यहाँ पे नौकरी करेगा तो ये धंधा नहीं चल सकता। जब तक ये पूरा माइंड में बैठा ना हो कि ये प्रोफेशनली एक रन ऑर्गेनाइजेशन है, हर आने वाले व्यक्ति जो काम करने वाला है उसके पास में प्रॉपर नॉलेज हो, जो भी काम उनको, जिस काम के लिए उनको रखा जा रहा है, राइट। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। अगर जानकारी सबको सही तरीके से नहीं होगी, इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा, तो हर कोई सोचेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और यहां पर कुछ चल रहा है, जो मैनेजिंग कमिटी है वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी स्कीम लाती है उसमें इसका भी जरूर कमीशन होता है, ये पैसा जरूर खाता होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं जब हम पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं देते जो उनको मिलना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट्स प्रॉपरली पब्लिश नहीं करते हो, या फिर रिपोर्ट्स अपने मेंबर्स को नहीं देते हो, जानकारी अपने मेंबर्स को नहीं देते हो, ट्रांसपेरेंट हर चीज को रखना जरूरी है, इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स
और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। कोई भी अगर कुछ पूछता है तो उससे संबंधित पेपर सही फोरम पे सही जगह पर सही व्यक्ति को ऑब्वियसली आप दिखाइए, ताकि प्रूफ हो जाए कि अगर कोई प्रश्न गलत तरीके से उठ रहा है तो उसके जवाब हमारे पास है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई चालू करता है ना, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं बहुत बड़ा ऐसा ऐसा काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करूंगा, उद्देश्य है, लेकिन उसके पीछे सिस्टम नहीं है, सिस्टम कोई प्रोसेस बना नहीं है, खाली हम लोग ने शुरू कर दिया, एक रजिस्टर में लिख ले रहे हैं, वो भी कौन कर रहा है उसका पता नहीं, इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन हमने ले लिया और उसको भी हमने किसी ना किसी एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने कहीं से भी रजिस्ट्रेशन लाकर दे दिया, उसके आगे का हमको कुछ पता नहीं, हमको किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है उसका कोई सिस्टम डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है, हमने कोई प्रोसेस बनाया नहीं, हमने अपने लोगों को कुछ सिखाया नहीं, हमने कोई ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीजों को तैयार नहीं किया जिसको हम लोग किसी को भी बताकर हमारा जो प्रोसेस है बता पाए, हमारा सिस्टम है जो सिखा पाए, हमारी ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ा पाए। तो सिस्टम बनाना, प्रोसेस बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाइन्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन के करने रहते हैं, इनकम टैक्स के भी करने पड़ेंगे, आपके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल के हिसाब से रखने पड़ेंगे, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका डिटेल रखना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, ऑडिट डिपार्टमेंट मांगेगा तो उसको भी देना पड़ेगा, हर सोसाइटी को कंप्लायंस करने की जरूरत होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कंप्लायंसेस और रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर ये आप कर लेते हो तो मजा आने वाला, राइट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कंसल्टेंसी। अगर आप ट्रेंड नहीं है, आप एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, तो फिर आपका सोसाइटी बहुत अच्छे से नहीं चलेगा, तो आपकी ट्रेनिंग जरूरी है, आपके मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जरूरी है, आपके स्टाफ्स की ट्रेनिंग जरूरी है, इवन पीरियोडिकली आप अपने ग्राहकों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिजिकल होना चाहिए कि डिजिटल होना चाहिए, आपकी मर्जी, आपका सुविधा, आपको करना चाहिए ही चाहिए। कंसल्टेंट चॉइस करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और आपको ये फीडबैक रहना चाहिए कि इनको सब चीजें पता है, आपके ऊपर में पूरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो आपको डिसाइड करना है कि सही चलना है कि नहीं चलना है। तो जीतना है तो ये 10 पॉइंट को ध्यान में रखिए, आपका जबरदस्त चलने वाला ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कहीं पर अगर हमारी मदद लगेगी, ट्रेनिंग लगेगी, कंसल्टेंसी लगेगी, या फिर किसी तरीके से हम आपके काम आ सकते हैं तो जरूर बताइएगा। वीडियो में नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।